तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी आई हुई है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए CIL में, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड में। बहुत ही अच्छा पोजीशन है आपका। यहाँ पे कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, कोई भी फीस आपको पेमेंट करना नहीं है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो 31,000 का आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अगर आपके साथ मैच कर जाता है तो इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा आप लोग। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं पूरा डिटेल्स आपको पढ़ के समझा दूंगा, क्या नोटिफिकेशन क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, सारा चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूं। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूं। और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के, कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं, क्योंकि अनअकैडमी लाया है आप लोगों के लिए गेट सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्लासेस। अगर आप गेट 2022 के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए है इवॉल्व 2022 एंड स्पार्क 2022। और अगर आप गेट 2023 के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए है एसेंट 2023 एंड वर्ल्ड 2023। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस एक भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस लिए जाएंगे वो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा लिए जाएंगे, जैसे रविंद्र बाबू, संचित जैन, विष्णु सर, अंकित गोयल सर और इनके साथ और भी बेस्ट एडुकेटर्स जिनका एक्सपीरियंस 15 साल से ज्यादा है। यहाँ आपको मिलता है 800 प्लस आवर से भी ज्यादा का लेक्चर्स, जिसमें आपके गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के फुल सिलेबस को कवर किया जाएगा और आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर किए जाएंगे। आप यहाँ एडुकेटर्स के फ्री डेमो क्लासेस को भी देख सकते हैं और फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, और उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ का जो कोर्स है वो लेना चाहिए या नहीं। तो अभी सब्सक्राइब करें इस कोर्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरा कोड CIVIL को जरूर यूज कीजिएगा। इसको आप जैसे यूज करते हो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई हुई है कोल इंडिया लिमिटेड में, लेकिन आपको कोल इंडिया लिमिटेड में इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा NIT नागपुर के थ्रू से, ठीक है। तो विश्वविद्यालय NIT नागपुर के थ्रू से आपको अप्लाई करना पड़ेगा कोल इंडिया लिमिटेड में इस प्रोजेक्ट में आपको काम करने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे एलिजिबल है। आपको यहाँ पे जो पोस्ट मिलने वाला है वो मिलेगा आपको JRF का, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो का। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको काम करने का मौका मिलेगा कोल इंडिया लिमिटेड में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। यहाँ पे आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये काम होने वाला है और इस प्रोजेक्ट में आपको काम करने का मौका मिलेगा 2 साल के लिए। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हो यहाँ पे जो BE BTEC वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग में वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम आपका 70% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, और साथ में आपका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर आप गेट क्वालिफाई कर चुके हो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ME MTEC अगर किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग में या अप्लाइड जियोलॉजी में तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन वो ME MTEC भी आपका 70% मिनिमम होना चाहिए तो जाके आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के कैटेगरी में आओगे, आपको वहां पे बेनिफिट मिल सकता है इसका, ठीक है। लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे BE BTEC है सिविल इंजीनियरिंग में विद 70% मार्क्स, ठीक है, और गेट क्वालिफाई मस्ट होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो पोजीशन है उसके लिए यहाँ पे इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पे आपको 6 महीने के लिए रखा जाएगा, फिर उसको बढ़ाया जाएगा मैक्सिमम अप टू 2 साल तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। तो 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका ये जॉब रहने वाला है। इस दौरान आपको स्टाइपेंड यानी कि सैलरी जो मिलने वाली है वो 31,000 पर मंथ मिलने वाला है। तो एज क्राइटेरिया की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो जो BE BTEC वाले हैं उन लोग के लिए यहाँ पे 25 साल रखा गया है मैक्सिमम एज लिमिट, और जो ME MTEC वाले हो उन लोग के लिए यहाँ पे 28 साल रखा गया है, ठीक है। जो SC ST OBC PH या फीमेल कैंडिडेट है उन लोग को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए जो नॉर्म्स के हिसाब से है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 पोस्ट रखा गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एक देखिए JRF 01, JRF 02, ठीक है। JRF 01 में आपको यहाँ पे सैंपल कलेक्ट करने रहेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करना होगा, उसका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको एक प्रोजेक्ट पे जाके पूरा एकदम डिटेल में रिसर्च टाइप का ये काम है जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे JRF 02 में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिटेनिंग वॉल, शीट पाइल, फाउंडेशन सिस्टम, इन सब के ऊपर आपको यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा काम है,
यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ने का चांसेस है, बहुत कुछ सीखोगे इस काम में। तो आप किसी एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, JRF-01 के लिए या JRF-02 के लिए। तो अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा JRF-01 JRF-02 इसको अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि अप्लाई करते वक्त इसकी काम बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन, अपना रेज्यूमे जो होता है, CV हो गया, वो सारा आपको आपके पासपोर्ट फोटो के साथ साथ और साथ में आपको स्कैन करके रख लेना है। आपका डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, वो सारा चीज क्या करना है उसका स्कैन कॉपी करके उसको सिंगल फाइल में RAR या ZIP फॉर्मेट में उसको डाल दीजिएगा और उसको आपको मेल के थ्रू भेज देना है। ये वाले मेल पे आप यहाँ पे देख सकते हो srinivasan25civil@gmail.com। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो इस ईमेल आईडी पे आपको आपका सीवी जो है वो तो भेजना ही है, विद पासपोर्ट फोटो साइज भेजना है, और साथ में आपको आपके जितने भी टेस्टिमोरियल्स है, मतलब स्कैन कॉपीज, आपका मार्कशीट का, डिग्री सर्टिफिकेट, सारा एक ही पीडीएफ फाइल में, RAR फाइल में उसको कंप्रेस करके आपको इस ईमेल आईडी पे भेज देना है, ठीक है। और वो जो ईमेल भेजोगे उसका जो टाइटल रहेगा उसमें आपको JRF का पोजीशन नंबर भी मेंशन करना है, यानी कि ये रहा JRF-01 या JRF-02 किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भेज देना है। डेडलाइन इस एप्लीकेशन का रखा गया है 27th मार्च 2021 शाम को 6 बजे तक, ठीक है। अब इंटरव्यू का प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू आपका यहाँ पे होगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे आपके मेरिट के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जो इंटरव्यू होने वाली है वो आपका वर्चुअल मोड में भी हो सकता है या फिजिकल मोड में भी, मतलब वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुला भी सकते हैं, और नहीं भी तो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, जैसा सिचुएशन देख के, यानी कि जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ बंद रहा या कुछ दिक्कत हुई तो आपका वर्चुअल मोड में ही यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं तो आपको बुला के इंटरव्यू किया जाएगा। और ये टेंटेटिव आपका अप्रैल मंथ में होने वाला है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अप्रैल में अगर इसका यहाँ पे इंटरव्यू होता है तो आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि ये जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट करना चाहते हैं। जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसका डेट और वेन्यू जो है, अगर ऑफलाइन हुआ तो वो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन लोग को। और कोई भी TA/DA आपको पे नहीं किया जाएगा इस इंटरव्यू के लिए, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आई होप मैं आपको सारा चीज यहाँ पे समझा दिया हूँ, ये डिटेल नोटिफिकेशन था। जो भी एलिजिबल है अप्लाई जरूर कीजिएगा, और मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग फॉलो जरूर कर लीजिएगा, अगर आप लोग एवरीडे कुछ ना कुछ नया, कुछ नए नोटिफिकेशन प्राइवेट सेक्टर से हो गए या गवर्नमेंट सेक्टर से हो गए, कुछ भी चाहते हो, एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन होता है वो, या सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन या नोट्स, वीडियोस, ये सब चाहते हो तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तो बाय, टाटा, जय हिंद।